to go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, कल परसों पूरी दबा के स्नो हुई है। कल पूरी रात और पूरा दिन स्नो हुई है, तो जिसकी वजह से कल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। कल सबको वेदर अपडेट आ गई थी हार्श वेदर की, तो सब घर ही में थे कल पूरा दिन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड्स की क्या हालत है। ये देखिए कितनी लेवल की स्नो हुई है, और ये रोड्स हैं सारे। यहाँ से तो क्लीन हो चुका है अभी रोड, मगर ये सब रोड अभी बचा हुआ है। तो ये पूरा रोड स्नो में ढका हुआ है। ये फुटपाथ है, मगर ये भी यहाँ तक क्लियर है, और आगे पूरा स्नो में कवर्ड है। ये हमारा घर है। आज बहुत अच्छा, पूरा स्काई क्लियर है आज। वैसे तो एक ही दिन की पूरी स्नो थी, ये एक दिन में इतनी स्नो। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक प्रोसेस है कनाडा स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने का, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने का, और क्या टाइमलाइन है। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जाते हैं कॉलेज, वहां पहुंच के फिर आपको सारी अपडेट्स देते हैं, तो बने रहिए। ये कैंपस देखो स्नो में कैसा दिखता है, पूरा ऐसा लग रहा है कोई हिल स्टेशन आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो कल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था कॉलेज से आते में, तो इसलिए मैं कल कॉलेज में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अब मैं सुबह उठा हूँ, अब नहा धो के फ्रेश माइंड से मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, और सारे आपको एक प्रोसेस का सारी टाइमलाइन बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको किस मंथ से स्टार्टिंग करनी है, किस मंथ में क्या करना है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और मैं इसमें दो पॉइंट भी बताऊँगा आपको, कैसे आपके पैसे इसमें बचेंगे इस प्रोसेस के अंदर। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपये तक आपके बच सकते हैं अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो करोगे, और आपका अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो उसमें आपका एक बैकअप के लिए टाइम भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है कि आपको डिसाइड करना है आपको किस इनटेक में आना है। अगर आपको जिस भी इनटेक में आना है, जैसे कि आपको सितंबर में आना है, तो आपको ये प्रोसेस जो है वो कम से कम 1 साल पहले उससे शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको फिर आपको जैसे जैन ज़्यादा ईजी है, जैन अगर नेक्स्ट जैन इनटेक आप टारगेट कर रहे हो, तो आप अभी जैन में आप आइल्स वगैरह की तैयारी करके आइल्स दीजिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आइल्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, ठीक है। तो 1 महीना आप पढ़िए आइल्स के लिए, और फिर आइल्स दीजिए। अगर आप ऑनलाइन आइल्स दे रहे हो, तो 3 से 4 दिन में, 5 दिन के अंदर मैक्स आपका रिजल्ट ऑनलाइन वो शो कर देते हैं। तो आपका 1 महीना आइल्स में जाएगा। तो जब आप आइल्स दे देते हो, तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉलेज में अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप कोर्स चूज करके कॉलेजेस में अप्लाई करना फिर शुरू करिए। मैं कहूँगा कि सारे जितने कॉलेजेस हैं, अगर आप GTA रीजन के पास आना चाह रहे हो, तो जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज आप कर सकते हो अप्लाई, वो करिएगा। ये नहीं कि 1-2 कॉलेज आप डिसाइड करके उसी में छोड़ दो, क्योंकि इन केस अगर उसमें नहीं आता, कुछ अच्छे कॉलेज चूज करिए, कुछ मिडिल कॉलेज, कुछ लो कॉलेज, क्योंकि बहुत से अच्छे कॉलेजेस की सीट जल्दी भी फुल हो जाती हैं, और वहाँ पे बच्चों का फ्लो भी ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम्बर्ट, सैनिका वगैरह, क्योंकि वो टोरंटो के आसपास हैं, जैसे सैनिका जो है वो स्कारबो के आसपास है, तो वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं अपनी कम्युनिटी की वजह से। मगर आप उनके साथ साथ अगर आप वहाँ अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो थोड़े से और कॉलेजेस में भी अप्लाई करिएगा, ताकि आपका अगर इन केस जो आपका प्रिफर्ड कॉलेज है वहाँ से नहीं आया, तो किसी और कॉलेज में आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है। अगर आपको कॉलेज में अप्लाई करने से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डरहम कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, आपको जो कॉलेज की ईमेल आईडी है वो उस पर आपको मेल करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपना कोर्स, कि मैं इस फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स एंड दीज आर माय डॉक्यूमेंटेशन, माय मार्क्स, माय स्कोर्स। सो आप ये सब लिखकर
उन्हें मेल करिए, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो वो आपको मेल बैक करेंगे। एक आपको एक वर्चुअल एजेंट वो असाइन कर देते हैं, वो भी फिजिकल एजेंट नहीं होगा, वो आपकी आपके बेसिस फोन पे सारी उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके और आपकी एप्लीकेशन फाइल कर देगा। ठीक है, आप जैसे ही उसको अप्लाई कर दोगे तो फिर विद इन 14 डेज, मेरा जैसे मेरा तो 14 डेज या 21 डेज में मेरा ऑफर लेटर आ गया था। ठीक है, और एक और चीज़ है, डरहम कॉलेज में अगर आपके आइल्स में अच्छे स्कोर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गॉट 7.5, सो दे विल वेव ऑफ योर एप्लीकेशन फीस। लाइक जो उनकी फीस है अप्रॉक्स $100 है या $150 है पता नहीं, जो भी उनकी एक एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है, तो आपका ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी अगर आपके आइल्स में अच्छे से स्कोर हैं, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और एक एप्लीकेशन में आप दो कोर्स चूज़ कर सकते हो, तो कोई भी आप दो कोर्स जो भी आपकी पसंद है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रख के वो आप चूज़ कर लेना, और फिर वो अगर दोनों की ऑफ़र लेटर आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आप कौन से कोर्स आपको चूज़ करना है, फिर उसके ही आपको फ़ीस पे करना होगा, और दूसरा वाला जो ऑफ़र लेटर होगा वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर देते हैं। तो वो सिंपल स्टेप है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करो या फिर मुझे DM करो। तो जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आता है, तीसरी चीज़ है फिर आपको GIC और फीस सबमिट, जो कि फंड्स से रिलेटेड काम है, फंड्स वाले काम आपको तीसरे स्टेप में निपटाने, क्योंकि जो आपका GIC और फीस जाएगी वो शायद फ्लाई वायर के थ्रू जाएगी, क्योंकि हमारे कॉलेज ने फ्लाई वायर के थ्रू लिया था, तो उसमें भी हफ्ता भर लग जाता है। पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे फंड्स जमा कराने पड़ेंगे, और फिर फ्लाई वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है तो वो उसको छुट्टी काउंट करके और आपके उतने दिन बढ़ जाएंगे। कोशिश करें आप फंड्स को पहले से ही रेडी रखें, और जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आता है तो आप विद इन अ वीक वो फंड्स वगैरह जमा करा के, क्योंकि जो कॉलेज ऑफ़र लेटर देता है वो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर देता है, और वो वीज़ा के साथ आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो कन्फर्म ऑफ़र लेटर चाहिए उनसे, वो आपको जब ही मिलेगा जब आप एक साल की ट्यूशन फ़ी, अगर आप SDS कैटेगरी में आ रहे हो, और अगर आप नॉन SDS कैटेगरी में आ रहे हो तो एक सेमेस्टर की फ़ीस उसमें आप पे कर दोगे, तो वो जल्द से जल्द आप पे करें। GIC का डॉक्यूमेंट जैसे आप पे कर दोगे GIC, तो जैसे आपका अकाउंट खुलता है तो CIBC या स्कॉशिया जो भी आप लोगे वो एक वेलकम लेटर आपको मेल करेंगे, जो कि लेटर आपके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा। तो ये दोनों काम आपको फिर उसके बाद करना है। फिर जब आप ये सब काम कर दोगे तो तीसरा स्टेप आता है वीज़ा फाइलिंग। ठीक है, अब वीज़ा फाइलिंग मैं कहूँगा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप खुद फाइल कर सकते हो, आप खुद ही करिए, क्योंकि मैंने अपना वीज़ा खुद फाइल करा था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प में मैंने वो निकाल लिया, और मेरे दोस्त हैं जानकार हैं जिन्होंने एजेंट्स के थ्रू करे मगर उनके दो दो बार ही रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें खुद वीज़ा फाइल करें, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है इसमें। आप अगर IRCC के पोर्टल पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ बेसिक सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या अपलोड करना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उन्होंने आपको प्रॉपरली समझ नहीं आता है तो प्रॉपरली वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आपको कैसे कैसे अपलोड करना है। बाकी मैं इंशाल्लाह अभी इन फ्यूचर वीज़ा फाइलिंग का भी प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें आपको समझाऊंगा, मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीज़ा फाइल अपना खुद करें, क्योंकि एजेंट्स वगैरह के उसमें जाओगे आप तो एजेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़ वो कोर्स आपको वो फोर्स करेंगे जहाँ उनका कमीशन ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए चीज़ें ये नहीं थी, मैंने अपना स्टार्टिंग करी थी कनाडा के सफ़र की, मतलब सोचना शुरू करा था, तो होता है कि एजेंट्स के पास जाते हैं यूट्यूब वगैरह पर सब दिखाते हैं एजेंट ये एजेंट वो, तो हम वहाँ गए एजेंट से बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मैं बताऊँगा मेरा तो 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब गैप है स्टडीज़ और उसके बीच में, क्योंकि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस था 5 साल का, तो एजेंट सुनते ही कहते थे आपका तो बहुत गैप है, आपका तो ये है बहुत मुश्किल है, एज फैक्टर है। बस ये है कि जब उनको इतना टिपिकल वो आपको दिखा देंगे कि आप डर जाओगे, और वो अपनी मतलब एक तरीके से वैल्यू बढ़ाते हैं, मगर ये ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी SOP स्ट्रांग बनाते हो, SOP में आप जस्टिफाई करते हो कि आपका गैप क्या है, आपने क्या करा इस गैप में, और आपका जो आप कोर्स करने जा रहे हो वो रेलेवेंट है, मतलब अगर आप वो कोर्स कर लोगे तो अभी जो आपका गैप में आपने काम करा और आगे आने वाले काम में मतलब कनेक्टेड है या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, गैप गैप का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा
कि आप अपना वीज़ा खुद फाइल करें, और इन केस नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंस तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप एजेंट के पास ही जाइए। मगर एजेंट के पास भी जब भी आप जाएंगे तो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद चेक करेंगे आप, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो बल्क में खेल रहे होते हैं, उनके पास बहुत बच्चे होते हैं वीज़ा फाइल करने के लिए, है ना। तो वो आप एक लौते नहीं हो, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हो, सिर्फ उनका क्या काम होता है, उसको सिस्टम पे अपलोड करना। मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, जब उसने वीज़ा फाइल करा था एजेंट के थ्रू, तो उसकी जो कुछ कुछ मिस्टेक उसने बाद में जब उसकी रिजेक्शन आ गई तो चेक करा, तो SOP वगैरह भी बहुत उसने एजेंट से ही लिखवाई थी, तो वो SOP इतनी मतलब इतनी मिस्टेक्स थी उसमें, सिली मिस्टेक्स, कि वो जब बाद में पढ़ी तो हमें ही वो मिस्टेक दिख रही है। तो जो अपना वीज़ा ऑफिसर है वो उसको क्या, वो तो एक्सपीरियंस है, वो तो हज़ारों SOP पढ़ता है, तो उसको तो सब पता होगा ना। तो इसलिए तो आपसे मैं कहूँगा कि आप एक तो SOP भी अपनी लिखो, क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो, आगे आपको बहुत चीज़ें कुछ खुद हैंडल करनी है, तो ये जो एक फर्स्ट स्टेप है वो भी आप इतनी कॉन्फिडेंस तो लाओ अपने अंदर कि आप खुद वो चीज़ें स्टार्ट कर लो। हम अपना जनवरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप जनवरी में आ रहे हो नेक्स्ट इनटेक में, तो अगर आपने अपने दिसंबर में IELTS दे दिया, ठीक है, तो आपका 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली IELTS में लग गया, एग्जाम देने में और उसका रिजल्ट आने में, तो आपके जैन में आपके पास IELTS का स्कोर होगा। फिर आपने कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया जैन के अंदर, तो कॉलेजेस का अगर चलो 1 महीने का कॉलेज का टाइम मांग लें मैक्सिमम जो कि लगता है, तो फैब में आपके पास ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। फिर आपके पास जैसे ऑफर लेटर आता है, आप विद इन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर उसको पे कर देते हो, तो 1 महीना चलो इस प्रोसेस में मान लो कि 15 दिन फ्लाई वायर ने लगा दिया, 15 दिन आपने फंड जमा करने में लगा दिया कॉलेज, तो आपके पास फैब टू मार्च हो गया। अब अगर आप मार्च में वीज़ा अप्लाई कर देते हो, और जो सितंबर का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, उसमें कभी कभी टाइमलाइन 3-3 महीने की भी वेटिंग चली जाती है वीज़ा की, 4 महीने की वेटिंग चली जाती है, तो अगर आप मार्च में भी अप्लाई करते हो तो मार्च से लगा लो मैक्सिमम टाइम लगा लो, चलो वर्स्ट केस 4 महीने, ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में एक्सपेक्टेड आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जुलाई में आपका वीज़ा आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपका टेंशन सारी ख़त्म, ठीक है, आपका वीज़ा आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ टिकट्स बुक करनी है। अब जो मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था कि आपके इस प्रोसेस से पैसे बच सकते हैं, तो ये है कि आप जुलाई में अगर अपने टिकट कर देते हो, सोचो दिसंबर की आने की यहाँ पर, तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारे, क्योंकि जितनी आपको अगर पता होगा आप एयरलाइंस की टिकट जितनी जल्दी करते हो, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल पे मेरा वीज़ा आया था सेप्टेम्बर में, ठीक है, मेरा यही हुआ था कि मैं ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई है अपने एक्सपीरियंस से बनाई, क्योंकि मेरा कुछ दिनों की वजह से मुझे अपनी जो कोर्स है वो डेफर कराना पड़ गया, मुझे आना था सेप्टेम्बर इनटेक में, मगर मेरा जो वीज़ा फाइल हुआ कुछ दिन लेट हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो वीज़ा आया है वो 30th सेप्टेम्बर को आया था, ठीक है, और कॉलेज ने अलाउ कर रहा था 20th सेप्टेम्बर तक आप कैनेडा में लैंड कर सकते हो, तो 10 दिन के डिफरेंस की वजह से मुझे जैन इनटेक में अपने को डेफर कराना पड़ा। और मगर इससे ये चीज़ एक मेरे लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर मैं सेप्टेम्बर में आता और ऑन द स्पॉट में टिकट बुक करा रहा था, तो करीब 2-2 लाख की टिकट्स आ रही थी एयर कैनेडा की, या जो भी एयरलाइन ले लो आप, 2-2 लाख की टिकट्स आ रही थी। तो मगर ये हो कि मैंने जब डिफर कराया, तो मेरा जैसे ही वीज़ा आया, मैंने वीज़ा आते ही टिकट बुक करा दी थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो मुझे एयर कैनेडा की टिकट अप्रॉक्सीमेटली 87,000 की पड़ी। तो अगर आप देखो तो कि 2 लाख से 87,000, करीब करीब 1 लाख रुपए आपके बच गए अगर आप सारे सारे प्रोसेस जल्दी करते हो, ठीक है, और अगर आप यही प्रोसेस डिले करते हो और एंड टाइम पर रखते हो, तो आपके पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, ये जब केस है जब आपका वीज़ा अगर एंड टाइम पर आता है, ठीक है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, आपकी आ जाती है रिजेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो ऑलमोस्ट मैंने जो लास्ट टाइम चेक करी थी एक्सेप्टेंस रेट है अराउंड 50 पॉइंट समथिंग, शायद 53 या 54% इंडिया की एक्सेप्टेंस रेट है कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा की, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ वीज़ा ही एक्सेप्ट होते हैं। तो अगर आपकी आ जाती है रिजेक्शन, तो अगर आप पहले वाली जो मेरी वाली टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग चलते हो कि आपकी जुलाई में रिजेक्शन आई, तो आपके पास अभी टाइम है रीअप्लाई करने का, आप अपनी फाइल पे दोबारा से काम करो, 1 महीना काम करो जुलाई टू अगस्त, फिर अगस्त में आप दोबारा फाइल कर दो, ठीक है। तो अगर फिर से वर्ष के सिनेरियो 3 महीने का ले लो, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, नवंबर में आपका या दिसंबर में मैक्स टू मैक्स 4 महीने भी अगर मान लो, तो आपका वीज़ा आ जाएगा, आप फिर भी जैन इनटेक के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो ये चीज़ है कि अगर आप टाइम टू टाइम अपने एक टाइमलाइन बना के काम करोगे, तो आपका प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन फ्री, और आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी टेंशन बच जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पर आपकी रिजेक्शन आ जाती है,
बहुत से कोर्स होते हैं जो कि जैसे मेरा कोर्स था डेटा एनालिटिक्स, तो मेरा कोर्स सितंबर के बाद जैन में भी था लकीली, तो मेरा डेफर सिर्फ 3 महीने का हुआ। ठीक है, बहुत से कोर्स होते हैं जो कि साल में एक ही बार होते हैं। अगर अभी जैन है और वो अगला कोर्स आपका फिर से जैन में है तो आपका गया 1 साल। तो ये चीज़ होती है एक टाइमलाइन फॉलो करने की। और आई होप अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे बताइए कमेंट्स में, और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा अभी वीडियो में नीचे। आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिए जो भी आपका क्वेश्चन है या आपको जो पूछना है या आप चाहते हो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं वो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। चलिए चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।